अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों और मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ नींबू पर नाम लिखकर आप दो लोगों को कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। जी हाँ, दो लोगों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं और कब अलग करना है। दोस्तों क्या होता है कि हमारे पार्टनर का अफेयर किसी दूसरी लड़की के साथ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पार्टनर को और उस लड़की को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। चाहे वो भी आपका बॉयफ्रेंड हो या कोई गर्लफ्रेंड हो या आपका कोई पति हो, आपकी पत्नी हो, क्योंकि अगर ऐसे रिश्तों में अगर आपका ताल्लुकात किसी लड़की से हो जाता है तो कोई नहीं चाहेगा कि वो आपके साथ रहे। तो आपका पार्टनर आपको और उस लड़की को एक दूसरे से अलग कर सकता है। इस उपाय से आप अपने पार्टनर को एक दूसरे से अलग कर सकती हो, उस लड़की को और अपने पार्टनर को, सिर्फ इस उपाय से। जी हाँ, नींबू से कैसे मनोच्चाटन किया जाता है, और मनोच्चाटन करने को ही दोस्तों हम दो लोगों को एक दूसरे से अलग करने की क्रिया को हम मनोच्चाटन बोलते हैं, और मनोच्चाटन को ही बोलते हैं दो लोगों को कैसे अलग किया जाता है मनोच्चाटन से। तो सिर्फ एक नींबू से मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत आसान ऐसा उपाय जो कि काफ़ी हद तक लोगों ने करा है, उनको कामयाबी हासिल करी है। तो इसी वजह से ये आजमाया उपाय है। इसमें आपको किस किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी, एक नींबू, एक काली स्केच और एक ये जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर हल्दी है, ये हल्दी का डिब्बा आपके घर में हर किसी के घर में होता है। इतना कामयाब ये उपाय है, आजमाया हुआ खुद का, मैंने भी आजमाया हुआ है। आप इससे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटों में दो लोगों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, दो दुश्मन को भी अलग करना चाहता है बहुत से लोग क्या होता है कि अपने पति को पराई औरत से अलग करना चाहते हैं। बहुत सी औरतें क्या कहूँ, लड़की क्या कर रही है, अपने प्रेमी को, अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के चक्कर में वो आ गए, उससे वो अलग कर रही हैं। तो ऐसे ही आप बहुत आसानी से इस उपाय को करके भी दो लोगों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर सकते हो, चाहे वो आपका पार्टनर कोई भी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको नींबू लेना है और नींबू पर क्या आपको नींबू पर लिखना है आपको इस तरीके से। तो सभी प्यारी माता बहनों ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको जिसको अलग करना है, जैसे उसका नाम, लड़की का नाम विनीता, तो यहाँ मैंने विनीता लिखा है जैसे कि आप देख रहे हैं। प्लस यहाँ उसकी माँ का नाम लिख रहा है इस तरीके से, या माँ लिखना है आपको, ठीक है। आपको अगर माँ का नाम पूरा पता है तो पूरी माँ का नाम आपको पूरा लिखना है। उसके बाद यहाँ एक नौ कॉलम का बॉक्स जिसमें सभी कॉलमों में आपको नौ लिखना है, और उसके बाद लड़के का नाम जिसको अलग करना है, जैसे हमें विमला को और विमल को एक दूसरे से अलग करना, तो यहाँ हमने विनीता लिखा था और नीचे लड़के का नाम लिखा जाएगा, तो यहाँ विमल प्लस उसकी यहाँ मैंने माँ लिखा है, आपको पूरा माँ का नाम लिखना है। अब इतना होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर नाम लिखा हुआ है, इसको जो हल्दी का डिब्बा होता है, आप हल्दी के डिब्बे के अंदर आपको इसको इस तरीके से डाल देना है जैसे कि आप देख रहे हैं ये, और हल्दी के डिब्बे को इस तरीके से बंद कर देना है। बस इतना आपको करना है, 24 घंटे के लिए आप करिए। जैसे ही 24 घंटे बीतेंगे, एक डेढ़ घंटे में आपको रेस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 24 घंटे से कुछ ही दिन जैसे आपको बीतेंगे ना, तो वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे पूरी तरीके से अलग होने स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों इस उपाय को करिए, इसमें कामयाबी हासिल करिए, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और यदि आपको कहीं कुछ पूछना हो या कुछ समझना हो तो दिए हुए नंबर पर इसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी अगली नई वीडियो के साथ।